मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म लेकर आता था, जिसे मेरी ननद और देवर अकेले बैठकर देखते थे। एक दिन मैं देखने की जिद की तो देवर ने कहा, यह तुम्हारे देखने वाला फिल्म नहीं है। मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह दरवाजे को कुंडी लगा कर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति कारोबार के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। मैं घर में अकेली ही रहती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति और एक कम उम्र का देवर और एक ननद रहते थे। कुछ साल पहले मेरी ननद विधवा हो गई थी, जो हमारे साथ हमारे घर यानी कि मायके में ही रहती थी। मेरे देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता, कोई न कोई फिल्म के कैसेट जरूर लाता था, और फिर मेरी ननद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में ही था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला कैसी फिल्म रहती थी जो बंद कमरे में सबसे छुपा कर देखी जाती थी। मैं सोचकर अंदर ही अंदर घूट कर रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति को बताऊं, फिर यह सोचकर खामोश हो जाती थी कि कहीं मेरे पति यह ना समझें कि उनके भाई बहन से जलन कर रही हूं। वैसे भी आजकल बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती हैं। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति घर वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखकर अपने कमरे में ले आई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए थे और बिस्तर पर बैठे हुए थे। मैं कमरे में दाखिल हुई और बोली, आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पर ये कैसा चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था और मैं बताना भूल गई थी। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैं मुस्कुराते हुए ड्रामा ही अंदाज में बोली, जैसा आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है, फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम का कैसे कहूँ। दिल में आई बात फौरन मैंने अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद कर दी और बर्तन साफ करने किचन में आ गई। मैं अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर बैठी थी कि मेरी ननद आ गई और बोली, भाभी नाश्ता बना दो। उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननद के बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं घर का माहौल खराब न हो इसलिए खामोश रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैं नाश्ता बनाकर अपने ननद के सामने रख दिया। तब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बनाकर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम ही जाया करती थी, क्योंकि मुझे उसकी नजरें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया कि किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, छोटी कर देती, लाओ अपना हाथ दिखाओ।
मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपने ननद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो दोनों ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ, और बर्तन समेटते हुए मैं रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है वरना चोट नहीं भरेगा, और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को छोटी कहकर पुकारते थे, उनका शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। मेरी ननद के पति के गुजरने के बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं गई। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाती हुई गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, यह बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धो कर भी रख देना। वह गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना, तो उठा कर रख दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब घर में सब लोग रहते हैं तो काम सिर्फ एक क्यों करे, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी को पानी में हाथ डालने से मना किया है। मेरी ननद पैर पटकती हुई बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मैंने अपने पति को देखा। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। बस मुझे मेरी ननद और मेरा देवर का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता था। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, नहीं बात करने की उन्हें तमीज था, जबकि मेरी ननद और मेरे देवर से हटकर मेरे पति थे, वो बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें जरूर कहीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर और ननद को खुद ही सोच कर अपनी ही सोच पर हंस देती होगी। शाम को मेरे पति अपने व्यापार के काम से बाहर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया, लेकिन जब मेरी ननद को कमरे में न पाया तो आवाज देने लगा। फिर मेरी ननद ने किचन से आवाज लगाई तो वह किचन में चला आया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखी सोफे पर बैठी हुई थी, मुझे उनकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा देवर एक सीडी ननद को दे रहा था कि अचानक मोबाइल बजने लगा और वो फोन को कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद ने खाना पकाते हुए वो सीडी वहीं किचन में रख दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नजर उन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जी काट रही थी, मैं उनसे बातें करने लगी। वह मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैं उसकी नजरों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फौरन मुझे देखा। मैं अनजान बनते हुए पूछा, यह सीडी कहाँ से आई है? और सीडी उठाई ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक न हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नजर रख रही हूँ। यह मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननद झट से मेरे हाथों से वह सीडी ले ली और जल्दी से वह सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब लोग खाना खा लिए तो मेरी ननद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली थी। मैं बोर हो रही थी तो अपने कमरे में चली गई और अपने घर पर फोन मिलाकर बातें करने लगी, और फिर पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर
हमेशा की तरह कामों में मसरूफ हो गई। फिर काम पूरा करके घर में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं, ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बातें की, वे थके हुए थे तो सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रखी थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मम्मी ने मुझसे कहा, अरे बेटा बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा, वहां भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूंगी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना दामाद जी क्या कहेंगे कि मेरी सास ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने पूछा, तुम्हें याद है कि इसे तुम्हारी गहरी दोस्ती थी जो हमारे ही गाँव में रहती है, उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी, वह मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैं उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरे दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल गई हो। मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान घर के जिम्मेदारियों में भूल ही जाता है। वह हंसते हुए बोली, जीजा जी ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वो तो इसका हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आती। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी अब बस करें। मम्मी ने हंस कर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और वो खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों पुरानी बातों में भूल गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक सुमन मौसी हमारे गांव में रहती थी, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि जब मास्टर चचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चचा का एक बेटा था। इसके बारे में हमेशा गाँव में सुनते रहते थे, किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। मैंने कहा, हाँ यह सब बातें मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन मौसी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों का फोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि मौसी ने उसे देख लिया है तो वह डरने की बजाय मौसी को ही धमकी देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मौसी ने चाचा को बता दिया और उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वह लड़का गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन सुमन मौसी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर ली। उनकी बेटी ने उसी वक्त आत्महत्या कर ली थी और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी मौसी बहुत रोती हैं। मैं तो यह सब सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से यह सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ मौसी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी की मौत उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी, वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपने काम पर चले गए। मुझे प्यास लगी थी तो किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ रही थी कि मेरा देवर ननद के कमरे के सामने से जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि किचन और कमरे के बीच में मेरी ननद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी।
लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी कि इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाजा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी। अपने कमरे में जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैं बोलते हुए उसके कमरे में जा घुसी। मैंने कमरे में देखा कि मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह मुझे देखकर घबरा गई हो। उसी कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। मेरी ननद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। आप खड़ी क्यों हैं? जाएं अपने कमरे में। मेरे देवर ने बोलते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज था। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपनी दोस्त की बात घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हैं? तभी तो मुझे नहीं आने देते हैं, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुपा कर देखा जाए? लेकिन यह तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या सब मेरा वहम है? लेकिन ऐसी कोई बात ना हो, इन दोनों की आदत ही ऐसी हो सबसे अलग रहने की। तभी तो ये दोनों मुझसे ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, और इसलिए यह मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति जाकर सो गए थे। उनके आने पर मेरी आंख ही नहीं खुली थी। मैं अपने पति को चादर ओढ़ाई और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। मैं नाश्ता बनाई तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने एक साथ ही हम दोनों के लिए नाश्ता बनाई और कमरे में लेकर आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, क्यों गुमसुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन यह सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उन्हें उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे सबसे पहले कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूंगी। मैं दिल में सोचते हुए कुछ नहीं बोली और नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुप कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई अपने पति के सामने लानी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाला और टीवी में लगा दिया। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि क्या यह सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाया, मैं देखकर अपने ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाजा और एक खिड़की नजर आ रही थी। उसमें बहुत सारी लड़कियां थी, जिन सबकी उम्र 5-6 साल से 16 साल तक की थी, और वह एक कमरे में पड़ी हुई थी। इन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा गया हो। इनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतजार कर रही होगी। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज में पहचान गई थी। एक दिन मैं कमरे के बाहर से आवाज सुनी थी। यह आवाज इसी लड़की की थी। मैं तो यह सुनकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरी ननद इतने घटिया थे। वह इतना गिरा हुआ काम करते थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लोगों के बच्चे पकड़ कर लाते थे। मेरी ननद के पास किसी का फोन आया तो उससे बातें करने लगी। शायद लड़कियों को दूसरे जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे लड़कियों को दुबई में सप्लाई कर देंगे, ताकि दूसरी लड़कियों को रखने की जगह बन जाए। और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए थे।
मैं बिना आवाज के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। यह सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे इन सब लड़कियों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ, कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को यह सब कुछ झूठ लगा, उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी एक रात कमरे में लेकर छुप गई। वहां की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर लिया। मेरा पति तो इसी वक्त उनके सामने जाने वाला था, लेकिन मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं करने दिया। कमरे से बाहर आते ही मेरे पति ने उनके भाई बहन की मदद करने की बजाय इंसानियत से फैसला किया और उन दोनों के कारनामों को पुलिस से बता दी। उन दोनों को अरेस्ट करके सारे लड़कियों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया गया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और मेरे पति मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया। उसके वजह से मेरे देवर और ननद दोनों अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हैं। इंसान कितनी ही होशियारी से गलत काम क्यों न कर ले, वह एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने न जाने कितने माँ बाप की बददुआ ली थी जो आज इस हाल में थे। दोस्तों, क्या मैं ऐसे देवर और ननद को अरेस्ट करवा के सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।